क्लास टेंथ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें आज के इस वीडियो में हम गणित का सेट ए देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले इसी में से ही अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना रहने वाली है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का सेम रहेगा तो फटाफट बिना देरी किए आपका पहला क्वेश्चन सही विकल्प में देखिएगा कि छानवे और चार का एस होगा तो कितना होगा चार होगा कितना होगा चार होगा एक दुघात बहुपद जिसके शून्यक माइनस एवं चार है तो आपको ये लिख देना है एक स्क्वायर बटे दो माइनस एक्स बटे दो माइनस छ माइनस के बी बटे आ जाएगा एक्स अक्ष से बिंदु पी दो और तीन की दूरी क्या कहलाएगी तीन है ना एक पेड़ की छाया बीस मीटर सॉरी बीस करने तीन मीटर है यदि पेड़ की ऊंचाई बीस मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा तो तीस डिग्री होगा और ये आपको लगा देना यहाँ पर जस्ट आप देखोगे तो ये इंग्लिश मीडियम वाले पर और जैसे आप पेज पलटोगे तो आपके सामने आ जाएंगे स्थान वो भी मैंने पूरे भर दिए है ना तो एस एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा में हो है ना सरल रेखा में हो तो क्या कहलाएगा रेखिक समीकरण होगा समीकरण तीन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक बटे तीन बराबर जीरो का भी कर होगा तो क्या होगा शून्य होगा समांतर श्रेणी माइनस एक आ जाएगा त्रिभुज होते हैं हमेशा समरूप होते हैं ना क्या होते हैं समरूप और किसी बिंदु की अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी निर्देशांक कहलाएगा स्पर्श से बिंदु से जाने वाली त्रिज स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है क्या होती है लंब होती है यहाँ पर पूरे ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने प्रोवाइड करा दिया सही जोड़ी देखिएगा है ना समरूप त्रिभुज होते हैं तो एक वर्ग मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपकी जो कि आपका सूत्र है का मान आपका क्या आ जाएगा जीरो स्क्वायर ठीक टेन पैतालीस का मान आपका आ जाएगा वन और शंकु का आयतन का सूत्र एक बटा तीन पायर स्क्वायर एच रहने वाला है क्लियर है जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों की जोड़ी एक वाक्य देखिएगा तो माइनस दो आ जाएगा दृष्टि रेखा की परिभाषा तो वस्तु और हमारी आंख से क्या है वस्तु और हमारी आंख से मिलने वाली रेखा क्या कहलाएगी दृष्टि रेखा कहलाएगी लिख लेना कि वस्तु और हमारी आंख को मिलने वाली रेखा ही दृष्टि रेखा कहलाती है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र टू पाई आठ थीटा बटे तीन सौ साठ का अर्ध गोला मतलब आधा गोला तो क्या आ जाएगा दो बटे तीन क्यूब और यह माध्यमिक का सूत्र आ जाएगा और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक ही होती है यहाँ पर लिखा हुआ है एक ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी पूरी चीज भर दी गई है बस आपको कुछ नहीं करना स्क्रीन शॉट ले लेना और याद करने में जुड़ जाना है इतना काम आप कर लोगे जिसमें आप क्लास टेंथ में टॉप कर दोगे प्रत्येक प्राकृत सॉरी प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है बिल्कुल गलत बात है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर बराबर जीरो ए के मूल बराबर हैं सत्य सत्या सत्य सत्य देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो आधार इंटू शीर्ष लंब होता है सत्य ये भी सत्य किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है बिल्कुल गलत है है ना यहाँ पर ये पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा यहां से मैं बात करूं। तो आप देखिएगा दिया हुआ नीचे ये इसका इसका नीचे इंग्लिश दिया हुआ है कर लो ओके okay, क्लियर इसका सोल्यूशन हम बात करें तो अगली वीडियो आपको तुरंत हम प्रोवाइड करा देंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है इसलिए क्या करेंगे जितना आधे है आपको उसने की आप प्रैक्टिस करो अगली वीडियो में क्या करेंगे हम इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे ये देख लीजिए द्विघात व्यंजक एक्स स्क्स प्लस, एक प्लस जीरो कीजिए ये सिंपल प्रश्न आपका आएंगे थोड़ा सा कम भैया जिससे आपको अच्छे से दिखे और स्क्रीन शॉट लेने में दिक्कत ना हो ये आपका नववा क्वेश्चन ये आपका दसवा ये आपका यहां पर देखोगे तो ग्यारहवा ये इसका अतवा जाएगा तेरवा चौदवा और ये आपका पंद्रवा क्लियर है जैसे आप पेज पलटोगे तो आपको पंद्रवा का यहां पर अतवा भी मिल जाएगा सामने सोलवा ये उसका अतवा यहां से हम देखेंगे तो ये आपका सत्रवा हो जाएगा अठारवा ये आपका अठारवा का अतवा जैसे हम देखेंगे यहां पर अठारवा के बाद ये आपका उन्नीसवा ये बीसवा और ये उसका अतवा रहने वाला है यहां से मैं बात करूँ, तो इक्कीसवा यवा और लास्ट जो बचा हुआ आपका पहले इसका का आएगा और लास्ट में क्लियर है इंग्लिश में भी है इसलिए बड़ा पेपर हो जाता है इंग्लिश में लिखा है ना जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ये है ना तो बढ़िया से मेहनत की जगह और इस बार क्लास टेंथ में अच्छे से परसेंट बनानी तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर गणित का जो सेट है था वो पूरा प्रोवाइड कराया करा दिया तो जिस विद्यार्थी को क्लास टेंथ में देखो अच्छे से परसेंट बनानी है वो क्लास टेंथ में गणित के पेपर मैंने पूरे प्रोवाइड करा दिए नहीं देखे तो देख लेना साथ ही में जो आल सब्जेक्ट है बाकी के आपके सब्जेक्ट हैं उनके भी आपके चैनल पर डल चुके हैं नहीं आते तो प्ले में जाइएगा वहाँ पर आपको सभी चैनल सभी जो पेपर है उनके अलग अलग यहाँ पर पेपर मिल जाएंगे वहीं से आप पूरा पेपर याद कर लीजिएगा और वहीं से अच्छे से मेहनत करके इस बार क्लास टेंथ में आप टॉप कर सकते हो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा